डब्ल्यूएच क्वेश्चंस पर फर्दर पॉइंट्स की बात करते हैं। आपने देखा डब्ल्यूएच वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। अब मैं डब्ल्यूएच वर्ड्स को एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के तौर पे लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स अर्थात विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मय से विस्मयादि बोधक शब्द बनता है। विस्मय क्या होता है? विस्मय अर्थात कोई मेंटल फीलिंग्स जैसे आश्चर्य, खुशी, दुख, शोक, अफसोस, हताशा, निराशा, ये सारी चीजें आपको एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। सो डब्ल्यूएच वर्ड्स एज आई हैव स्टेटेड इवन अर्लियर दैट दे कैन बी यूज्ड वेरियसली। यू हैव ऑलरेडी गॉट टू नो हाउ इट कैन बी यूज्ड एज एन इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर, एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एज ए रिलेटिव वर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड नाउ आई एम मूविंग ऑन टू दैट एस्पेक्ट ऑफ इट व्हेन इट कैन बी यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड। अब हम इसको जब एक्सक्लेमेटरी वर्ड के रूप में लेते हैं तो हम इसे हाउ के आलोक में लेते हैं, क्योंकि इन दैट वेरी कॉन्टेक्स्ट वेयर इट कैन बी यूज्ड एज ए रिलेटिव वर्ड, इट कैन बी यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड, इन दैट केस इट कैन बी यूज्ड इन एसोसिएशन विद हाउ। अब रिलेटिव वर्ड की बात हो गई, अब एक्सक्लेमेटरी वर्ड की जहां तक बात है तो अब हम इसे हाउ के आलोक में लेंगे, क्योंकि इन प्लेस ऑफ व्हाट हाउ में आल्सो बी यूज्ड एंड इन व्हाट वे हाउ एंड व्हाट कैन बी यूज्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बिकॉज एज फार एज द कॉन्टेक्स्ट इज कंसर्न्ड देयर इज नथिंग डिफरेंट, बट यू हैव टू थिंक अबाउट द वेरी पैटर्न, वेरी स्ट्रक्चर इन विच बोथ दिस वर्ड्स कैन बी यूज्ड। तो हम इस्तेमाल करते हैं व्हाट को एक्सक्लेमेटरी वर्ड के रूप में। एक्सक्लेमेटरी वर्ड के रूप में जब व्हाट का यूज किया जाएगा तो हाउ के आलोक में किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पैटर्न क्या होता है। जैसा कि मैंने कहा कि विस्मयादि बोधक शब्द से आश्चर्य, खुशी इत्यादि जाहिर होते हैं। तो किस प्रकार से होते हैं? एक्चुअली हियर वी हैव टू थिंक अबाउट द वेरी पैटर्न इन विच वर्ड्स आर प्रॉपरली अरेंज्ड। तो वर्ड के जो है यूज में हमें सेंटेंस पैटर्न को ध्यान में देना होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत होती है व्हाट से, व्हाट प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस नाउन। उसके बाद हम कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वी प्लस अननेमर शब्द, अदर वर्ड्स। दिस इज द सेंटेंस पैटर्न इन विच यू हैव टू पुट वर्ड्स प्रॉपरली। ये सेंटेंस पैटर्न है जिसके अंतर्गत आप शब्दों को रखेंगे। जैसे अगर हम कहना चाहें व्हाट ए कैच इट इज, क्या कैच है ये, क्या कैच है ये। हियर एज यू सी जस्ट आफ्टर दिस आर्टिकल्स ए ओ एन यू हैव टू यूज अ नाउन। सो इवन हियर यू हैव गॉट ए नाउन, दिस इज नाउन, दिस इज नाउन, एंड हियर यू हैव गॉट ए नाउन लाइक कैच। और उसके बाद हम सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स के तौर पे इट प्लस इज किए। यहां इस बात को आप समझ गए कि अगर कोई भी विस्मय, अगर आप कहते हैं कि व्हाट ए कैच इट इज, क्या कैच है, इट मीन्स यू आर एक्सप्रेसिंग सम काइंड ऑफ सरप्राइज ओवर द टाइप ऑफ कैच द प्लेयर हैज हैड। तो यहां पर आप एक्सक्लेमेशन दिए, एक विस्मय दिए आश्चर्य के तौर पर या खुशी का इजहार करते हुए भी, तो क्या कैच है। समटाइम्स देयर मे बी अ लिटिल चेंज टू दिस सेंटेंस पैटर्न वेयर इन यू हैव गॉट टू यूज एन एडजेक्टिव जस्ट बिफोर नाउन। समटाइम्स
लाइक ये रहेगा आपका ज्यों का त्यों, व्हाट प्लस ए ऑब्लिक एन रहेगा। कभी कभी हम नाउन के पहले एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ये एडजेक्टिव हुआ। अगर हम इसी सेंटेंस में उस वर्ड को रखते हुए उसके भाव को हम समझाना चाहें तो यहां पर भी आप कर सकते हैं एडजेक्टिव के तौर पे, व्हाट ए गुड कैच इट इज, व्हाट ए गुड कैच इट इज। सो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर यू हैव कॉशियसली पुट ऑल द वर्ड्स इन अ प्रॉपर फैशन, इन अ प्रॉपर वे। सो देयर हैज बीन ए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बाय मी ऑफ दिस वेरी पैटर्न इन विच यू हैव टू यूज व्हाट एज एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड। तो इस पूरे पैटर्न में, इस पूरे सेंटेंस में आप समझ गए होंगे, बहुत काफी आपका एक्सप्लेनेशन हुआ, उसकी व्याख्या हुई, जिसके तहत जो है आप ये भी समझ गए ए एन के बाद नाउन आया और इसमें व्हाट ए कैच इट इज हुआ। अगर हम चाहें तो इसके पहले एडजेक्टिव का प्रयोग के तौर पे यहां पर गुड का प्रयोग करेंगे तो आप समझ गए कि ये व्हाट ए गुड कैच इट इज। तो इसको जो है इसमें और काफी कुछ जो है पॉइंट्स करने की जरूरत नहीं है। अब हम जैसा कि मैंने कहा कि हाउ के आलोक में, इन द लाइट ऑफ हाउ वी कैन मेक द सेम एक्सप्लेनेशन, देर इज समथिंग डिफरेंट, देर इज समथिंग न्यू एज फार एज द सेंटेंस पैटर्न इज कंसर्न, बट एज टू द वेरी कॉन्टेंट, एज टू द वेरी सेंस इन साइड इन इट, देर इज नथिंग एल्स यू कुड फाइंड न्यू। अगर आप हाउ का प्रयोग करना चाहें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि व्हाट क्लोज के तहत हम चाहें तो हाउ का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हाउ जब प्रयोग करेंगे तो यही पर हम थोड़ा परिवर्तन लाकर इसको समझने की कोशिश करें हाउ। लेकिन हाउ जब आता है तो उसके तुरंत बाद ए या एन का प्रयोग नहीं करते, पैटर्न बदल जाता है। अब क्या होता है, इस ए या एन का प्रयोग हम एडजेक्टिव के तुरंत बाद करते हैं, एडजेक्टिव के तुरंत बाद। अब जैसे इसी एडजेक्टिव को हम व्हाट ए गुड कैच इट इज किए, अब आपको हाउ के संदर्भ में लिखना होगा, तो हाउ गुड ए कैच इट इज, बिकॉज दिस ए एन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर and just after one adjective that you have to put here, you have to put a o an accordance, in accordance with the character of the noun that comes just after it. आपको a या an का प्रयोग उस noun के character के हिसाब से रखना होगा। तो sentence आपको मैं आपको afresh बिल्कुल fresh तौर पे यहाँ पर लिखकर दिखा रहा हूँ। कि sentence बन जाएगा how good a catch it is। अब और फिर इसको तुरंत मैं आपको डिफरेंस दिखाने के लिए what a good catch it is करते हैं। So by these two sentences put in juxtaposition, you have perhaps come to understand in what way the words arrangement will have to be made, because there is nothing else that you could see as quite different. There is nothing of difference here as far as the context is concerned. The difference lies in the sentence pattern, because where you have to use what, you will put a oblique an just before an adjective and just before a noun. Supposing you have not got any adjective, then in accordance with the nature of the noun that follows, you will have to use either a or an. Agar what ka prayog karna hai, to aap what ke turat baad a an ka prayog karenge, tab adjective aur phir noun rakhenge. Agar adjective nahi aata hai, to phir noun ke hisab se hi hum what ka prayog, a an ka prayog karenge. Jaise maine kaha ki what a catch it is ya what a good catch it is. लेकिन वहीं अगर हम हाउ का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस पैटर्न में कुछ परिवर्तन आता है। सेंटेंस की शुरुआत होती है हाउ से और उसके तुरंत बाद हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं और फिर उसके फॉलोइंग नाउन के हिसाब से
ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो आप समझ गए कि हाउ गुड ए कैच इट इज, व्हाट ए गुड कैच इट इज, दोनों का मतलब एक होता है। सेंटेंस पैटर्न में कुछ तब्दीली आती है और तब्दीली के हिसाब से आपको यह देखना होगा। आगे हम फर्दर इसी पर बात करना चाहेंगे। यदि यदि हम ए या एन का प्रयोग करते हैं तो यह उस कंडीशन पर होता है जब नाउन आपका काउंटेबल, जब नाउन काउंटेबल हो तभी हम ए एन का प्रयोग करते हैं। कि जैसे कि आपने देखा कि कैच आपका काउंटेबल नाउन है तो हमने ए का प्रयोग किया। सपोजिंग यू हैव गॉट ए नॉन काउंट नाउन, सपोजिंग वी हैव गॉट एन अनकाउंटेबल नाउन, देर इज नॉट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ ए ओ एन बींग यूज अलॉन्ग विद हाउ ओ वॉट। देखते हैं, अब मानते हैं कि ये कहें हम what people they were, क्या लोग वो थे। Here there is not any article before people which is a noun. People के पहले कोई आर्टिकल नहीं आया है, आप देख रहे हैं, क्योंकि ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है बल्कि ये प्लूरल नाउन है। जब कभी भी प्लूरल नाउन आता है, जब कभी भी अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो आप जैसा कि जानते हैं आर्टिकल के नियम के अनुसार कोई आर्टिकल नहीं रखते हैं, तो हम यहां पर व्हाट पीपुल दे आर कहेंगे। लेकिन अब यहां पर एक और बात आ जाती है, पुनः हम व्हाट का प्रयोग करते हुए बात करते हैं कि अगर कहें हम कि व्हाट सिंप्लिसिटी they were, अर्थात क्या सादगी वो रखते हैं, वो ओढ़े रहते हैं, मतलब जस्ट ऑन द सर्फेस द टाइप ऑफ सिंप्लिसिटी दे हैव कुड बी नोटिसेबल। तो क्या सादगी वो रखते हैं, तो यहां भी आप देखें सिंप्लिसिटी, ये सिंप्लिसिटी आपको नॉन काउंट है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ये आपका प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन और नॉन काउंट नाउन अर्थात अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, इस कारण से हम व्हाट के तुरंत बाद ए एन नहीं रखे। अब एक और प्रश्न उठता है जो आपके दिमाग में कौनती होगी कि इज इट पॉसिबल इन केस ऑफ हाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ व्हाट टू यूज ए और एन, बिकॉज यू नो दैट जस्ट आफ्टर हाउ यू कांट यूज एनी नाउन एंड ए ओ एन शुड बी यूज स्पेशली इन केस ऑफ ए नाउन। आप अगर ये पूछे कि वॉट में तो मैं समझ गया, हम समझ गए कि जब प्लूरल नाउन रहे या नॉन काउंट नाउन रहे तो कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो क्या ये संरचना हाउ के साथ हो सकती है, क्योंकि हाउ के साथ तो ये आपको इंपरेटिव है, एक बहुत ही जरूरी एक स्थिति है कि कभी भी आप नाउन नहीं रख सकते हैं। जैसे अगर हम जब भी हाउ का प्रयोग करना चाहें तो उसके तुरंत बाद एडजेक्टिव डालते हैं और तब जाकर नाउन, तो इस सेंटेंस को हम हाउ के जरिए नहीं बना सकते, अलबत्ता हम बनाएंगे जरूर, बशर्ते इसके साथ इसी प्लूरल नाउन या नॉन काउंट नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव आए। जैसे हाउ डर्टी हैबिट्स यू हैव, हाउ डर्टी हैबिट्स यू हैव, कितनी गंदी आदतें तुम्हारे पास हैं। यहां हम हाउ हैबिट्स नहीं कर सकते, कितनी गंदी आदतें तुम्हारे पास है, हियर डर्टी हो गया आपका एडजेक्टिव, डर्टी एडजेक्टिव हुआ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वेयर इन यू हैव गॉट टू यूज हाउ, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए नाउन इमीडिएटली आफ्टर एक्सेप्ट विद
एन एडजेक्टिव जस्ट अहेड ऑफ इट। मतलब यह है कि जब कभी भी आप हाउ का प्रयोग करें तो नाउन आ सकता है बशर्ते कि नाउन के पहले एक एडजेक्टिव आए। तो इन अ फ्यू वर्ड्स यू कुड गेट टू नो दिस पॉइंट दैट व्हेनेवर यू हैव टू मेक एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूजिंग आइदर व्हाट और हु यू हैव टू यूज ए और एन अलोंग विद व्हाट और हाउ। बट एज फार एज व्हाट इज कंसर्न्ड you will have to put what first at the beginning of the sentence which is then followed by a or an with either an adjective or noun coming next। मतलब अगर what construction का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके तुरंत बाद a या an का प्रयोग करके adjective का प्रयोग करेंगे और तब जाकर noun आएगा। But at the same time if you want to make a sentence by using how then the sentence undergoes a little transformation when your sentence must begin with how which is then followed by an adjective and thereafter a or an should be used in accordance with the nature of that very noun which comes immediately after that I mean a or an। agar aap what ka prayog karna chahe to adjective aur noun ke sath bhi kar sakte hain ya fir keval noun ke sath bhi kar sakte hain। how ka prayog karna hoga जब भी तो एडजेक्टिव होगा और उसके बाद ए या एन आएगा और तब सिंगुलर नाउन आएगा। अगर आपको प्लुरल नाउन आता है जैसे कि हैबिट्स हुआ या फिर नॉन काउंट नाउन आता है देन यू कांट यूज ए ओ एन। तो यही आपकी संरचना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की और मुझे लगता है कि इस बारे में आप बहुत काफी मुकम्मल समझ चुके हैं, पुख्ता जानकारी आपको हो चुकी है और इस तरह से मेरा अगले वीडियो में मैं और भी WH questions पर बहुत सारे जो है कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हैं जिस पर हम आपके साथ रूबरू होंगे और उस पर बहुत काफी चर्चा होगी। There will be a lengthened discussion on it because in a competitive examination, whatever type of competitive examination you are preparing for, there will be some sentences, some questions or other related to WH questions. There are different aspects of this which I am going to deal with and still dealing with. तो आपको WH questions की जो मैं जानकारी स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूं वो काफी मुकम्मल है, काफी परफेक्ट है और इससे आप जरूर फायदा उठाएंगे क्योंकि हर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में चाहे वो बैंकिंग एग्जामिनेशन हो, SSC हो या किसी तरह के ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश एक सेक्शन है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस जरूर आते हैं जिसमें मिस्टेक्स की बड़ी संभावना होती है क्योंकि आप एरर में भी न केवल जो है आपको अन्य तरह के जो है सेंटेंस पैटर्न में इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे बल्कि एरर में बहुत काफी जो है इससे संबंधित अशुद्धियां दी जाती है और इन अशुद्धियों के बीच में पढ़कर यू जस्ट गेट कंफ्यूज्ड एंड कांट अंडरस्टैंड इन व्हाट वे टू डील विद द क्वेश्चन बिकॉज एवरीथिंग अपीयर्स टू बी अ प्लेन सेलिंग एंड दैट इज व्हाई यू आर लाइकली टू फाइंड योरसेल्फ बीसेट बाय योर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड कंफ्यूजन ऑल्सो। सो I am bound to give all possible explanation on various aspects of WH questions and just be assured that I am always with you। तो आपको WH questions के और भी बहुत सारे sections हैं, बहुत सारे wheels within wheels हैं, बहुत सारे complex issues हैं जिसको हम deal करेंगे, जिसको हम address करेंगे और मुझे लगता है कि आपको इस बात से जो है बहुत काफी एक सुकून मिल रहा होगा कि मैं जिस तरह से आपको ढाणस दे रहा हूं, जिस तरह से मैं आपको सांत्वना दे रहा हूं, कन्विंस कर रहा हूं, इन द लॉन्ग रन अंततोगत्व आप इससे बहुत ही फायदेमंद रहेंगे क्योंकि मैं ऊपर से कोई चीज नहीं बताना चाहता हूं, सुपरफिशियल नॉलेज मैं आपको नहीं देना चाहता हूं, इन डेप्थ नॉलेज देना चाहता हूं। केवल आप जस्ट यू शुड स्टे विद मी, यू शुड बेयर विद मी सो दैट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी मैटर एंड दैट विल बी in the lasting solution of it, that will be a very informative thing and it will also give you a compendium of knowledge that I am laying out just before you। to aapko is baat se bilkul convinced feel hona hoga ki main jo bhi cheez de raha hu bahut hi charanbadh tarike se de raha hu, bahut hi phased manner se de raha hu kyunki WH questions main kuch pehle छोड़ा था, अब जो है फिर स्टार्ट किया हूं तो इसके साथ आप बने रहिए और आप मुझसे लाभान्वित होते रहिए,
मैं आपके साथ हूं और आप मुझे भी भरोसा ये दिलाएं कि आप मेरे साथ हैं, और इस या किस सूरत में होगा तो आप हमें हेल्प करें सब्सक्राइब करके, शेयर करके, क्योंकि मेरी तमन्ना यह है कि मेरा ज्ञान, मेरी सोच, मेरी पढ़ाई हर तरह से ये हर को मिले जो इसके लिए इच्छुक हैं, जिनके लिए ये बहुत काफी फायदेमंद है। धन्यवाद। जय हिंद। At this moment that he knew, he fucked up.